Welcome to Al Hadi Foundation School. मैटर यानी मादा क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी कितनी स्टेट्स या काइंड्स होती हैं और हम कैसे एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 25। पेज 25, पैराग्राफ 1। What is matter? Matter क्या है? Matter यानी मादा। Everything on earth is matter. ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ matter यानी मादा है। Matter takes up space. मादा वो है जो जगह घेरता है। It also has weight और इसका वज़न भी होता है। यानी कि हर वो चीज़ जिसका वज़न होता है और जिसको हम किसी जगह पर रखें तो वो जगह घेरती है, स्पेस यानी जगह लेती है, मैटर कहलाती है। बुक्स किताबें, बलून्स गुब्बारा, रॉक्स चट्टानें, स्नोफ्लेक्स बर्फ़ के टुकड़े, एयर हवा, स्मोक धुआं एंड वाटर और पानी आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर, मादा की कुछ मिसालें हैं। वी लर्न अबाउट मैटर विद आवर सेंसेस। हम मादा के बारे में अपनी सेंसेस से जानते हैं। सेंसेस यानी के फीलिंग्स, हमारी फाइव सेंसेस यानी के सेंस ऑफ सीइंग देखना, सेंस ऑफ हियरिंग सुनना, सेंस ऑफ टेस्ट यानी के चखना, सेंस ऑफ स्मेल सूंघना और सेंस ऑफ टच यानी के छूना। इन पांच सेंसेस को हम यूज़ करके मैटर के बारे में जानते हैं। यानी कि चीज़ों को टच करके हमें पता चलता है वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। इसके अलावा उनको देख के हमें पता चलता है कि वो किस कलर की हैं। उनको स्मेल करने के करके, उनको टेस्ट करके हम देखते हैं कि मैटर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी ड्रिंक जूस, जब हम जूस पीते हैं, वी नो, हम जानते हैं, वेदर इट इज़ ऑरेंज जूस और वाटर, तो हमें ये पता होता है कि ये ऑरेंज जूस है या फिर ये पानी है। क्यों? क्योंकि द कलर, उसका रंग, टेस्ट उसका जायका एंड द स्मेल और उसकी खुशबू, किसकी, जूस की, हेल्प्स अस, मदद करती है टू नो द डिफरेंस, हमें उनका फ़र्क देखने में। We cannot see or taste air. हम हवा को ना देख सकते हैं ना ही चख सकते हैं, but we can feel it, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। The wind is moving air. Wind हवा, चलती हुई हवा होती है, ये जो तेज़ हवा चल रही होती है वो wind कहलाती है। We can feel the wind blowing. हम हवा को चलते हुए महसूस कर सकते हैं। We can see, हम देख सकते हैं, how the wind moves other things, कि किस तरह से हवा दूसरी चीज़ों को हिलाती है। We can also hear, हम ये भी सुन सकते हैं, leaves rustling, पत्तों की सरसराहट, when the wind blows through them, जब उन में से हवा गुजरती है। पेज नंबर 25, पैराग्राफ 2। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर यानी मादा किन चीज़ों से मिलकर बना है। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पीसेस यानी टुकड़े। हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हैं। These tiny particles are called atoms. इन छोटे छोटे टुकड़ों को atoms कहते हैं। An atom is the smallest particle of the matter. Atom matter का छोटे से छोटा यानी बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा होता है। An atom cannot exist on its own. Atom इतना छोटा होता है कि वो अकेला नहीं रह सकता।
इट यूजली joins अप विद अदर एटम्स, ये अमूमन दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर या मिलकर रहता है. When two or more atoms join up, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं with each other, they form a bigger particle, ये एक बड़ा टुकड़ा बना देते हैं called molecule, जिसे molecule कहते हैं. पेज नंबर 26, पैराग्राफ 1. अ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो वेरी टाइनी. मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे से एटम आपस में जुड़ के बना रहे हैं वो भी बहुत छोटा होता है. इट इज मच मच स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड. अब यहाँ हमें बताया है कि मॉलिक्यूल कितना छोटा है. कि मॉलिक्यूल एक रेत के एक जर्रे से भी बहुत ज़्यादा छोटा है. Different things are made up of different kinds of molecules. मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के molecules से बनती हैं. जैसे water is made up of water molecules. Water यानी पानी बनता है पानी के molecules से. Sugar is made up of sugar molecules. Sugar यानी चीनी, उसके जो crystals होते हैं दाने, वो sugar molecules से मिलकर बनते हैं. शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट सेम, ये एक जैसे नहीं होते. दे आर डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होते हैं. पेज 26, मिक्सिंग शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. शुगर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को मिक्स करना, एक दूसरे में हल करना. Put a teaspoon of sugar in a beaker of water. Beaker, प्लास्टिक का एक कप जिसके ज़रिए से हम नापते हैं. बीकर, एक बीकर हमने पानी का लिया और उसमें हमने एक चम्मच चीनी डाल दी. एंड stir it, और इसको मिक्स किया, हिलाया. We can taste the sugar in the water. हम उस पानी के अंदर चीनी का जायका ले सकते हैं, चख सकते हैं. सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से, वी कैन ऑल्सो टेस्ट सॉल्ट इन आवर फूड. हम अपने खाने में, अपनी खुराक में नमक चख सकते हैं. इफ़ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम की बोतल खोलते हैं, You can smell the perfume. आप परफ्यूम को सूंघ सकते हैं. In the room, कमरे में. Can you guess why? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों? The molecules of the perfume spread out in the room. परफ्यूम के molecules कमरे में फैल गए या बिखर गए. By mixing with the molecules of air, हवा के molecules के साथ मिक्स होकर. You can also smell smoke. आप धुएं को भी महसूस कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं. When something is burning, जब कोई चीज़ जल रही होती है तो. पेज नंबर 26, स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर यानी मादा की हालतें या मादा की कंडीशन. मैटर कैन बी अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस. मादा हो सकता है एक ठोस, एक माया या एक गैस. वी कॉल दीज द स्टेट्स ऑफ मैटर, और इन तीनों को हम मादा की हालतें कहते हैं. पेज नंबर 26, सॉलिड यानी ठोस. मैटर कैन बी सॉलिड, मादा ठोस होता है. इट कैन बी लाइट और हैवी, ये हल्का भी हो सकता है और भारी भी. सॉफ्ट और हार्ड, नरम भी हो सकता है और सख्त भी. बट अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप और साइज बाय इट्स सेल्फ.
लेकिन एक सॉलिड या ठोस खुद से अपनी शक्ल या जिस्मत नहीं बदल सकता. सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड साइज और वॉल्यूम. हम ये कह सकते हैं कि एक ठोस चीज़ का एक मखसूस ठोस चीज़ की एक मखसूस शक्ल और मखसूस जिस्मत होती है. वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर, ग्लास, रबर एट्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड की चंद मिसालें हैं. पेज नंबर 27, लिक्विड, माया. लिक्विड कैन बी, मैटर कैन बी अ लिक्विड. मादा लिक्विड यानी माया भी हो सकता है. इट मे और मे नॉट हैव कलर. या तो इसका रंग होगा या इसका रंग नहीं होगा. अ लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप. एक लिक्विड यानी माया की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती. बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है. यानी कि अगर आपने एक लीटर लिक्विड लिया है तो वो एक लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसकी जो मर्जी शेप कर दें. अ लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पोर्ड इनटू. लिक्विड को जिस बर्तन में उंडेला जाता है, जिस बर्तन में डाला जाता है, ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है. वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, कोला एट्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड. ये तमाम लिक्विड्स की मिसालें हैं. पेज नंबर 27, पैराग्राफ 2, गैस. मैटर कैन बी अ गैस. मादा गैस भी हो सकता है. अ गैस हैज़ नो शेप. गैस की कोई शक्ल नहीं होती. अ गैस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. गैस एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा बहुत सी गैसों का मजमूआ है, यानी हवा बहुत सी गैसों से मिलकर बनी है. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को नहीं देख सकते. बट वी कैन फील द विंड ब्लोइंग. लेकिन हम हवा चलते हुए महसूस कर सकते हैं. पेज नंबर 28, चेंज ऑफ स्टेट. हालत का तब्दील होना. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. मादा अपनी हालत बदल सकता है, तब्दील कर सकता है. पुट अ ग्लास फुल ऑफ आइस क्यूब्स नियर अ सनी विंडो. एक ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डालें और उसको खिड़की के पास रख दें जहाँ पर धूप आ रही हो. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, यू विल सी, आप देखेंगे, वाटर इन द ग्लास. ग्लास में पानी है. वट हैज़ हैपन्ड, क्या हुआ. द आइस हैज़ मेल्टेड. बर्फ पिघल गई. आइस इज अ सॉलिड. आइस यानी बर्फ सॉलिड है. इन अ वार्म प्लेस, गर्म जगह पर, इट बिकम्स वाटर, वो पानी बन गई. विच इज अ लिक्विड, जो कि एक लिक्विड है. वी कैन सी दैट वाटर हैज चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड. हमने देखा कि पानी ने अपनी हालत तब्दील की और वो सॉलिड से लिक्विड बन गया. हीट कैन चेंज अ सॉलिड इंटू अ लिक्विड. हीट यानी गर्मी ने सॉलिड को लिक्विड में तब्दील कर दिया. व्हेन वी लाइट अ कैंडल, जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, द वैक्स बिगिंस टू मेल्ट. मोम पिघलना शुरू हो जाता है. अ लिक्विड कैन चेंज इंटू अ सॉलिड. एक लिक्विड को सॉलिड में तब्दील किया जा सकता है बाय कूलिंग, उसे ठंडा करके. इफ वी पुट वाटर इन एन आइस ट्रे, अगर हम एक आइस ट्रे में पानी डालते हैं,
एंड पुट इट इन टू द फ्रीज़र और उसे फ्रीज़र में रखते हैं, द वाटर बिकम्स सॉलिड आइस, तो वो पानी सॉलिड बर्फ बन जाएगा. हीट कैन चेंज अ लिक्विड इन टू अ गैस, हीट लिक्विड को गैस में भी तब्दील कर सकती है. हीट सम वाटर इन अ पैन, एक बर्तन में कुछ पानी को गर्म करें. एज इट गेट्स हॉट, जब वो गर्म हो जाए, यू विल सी स्टीम, आपको भाप नज़र आएगी. द वाटर इज चेंजिंग इन टू स्टीम, पानी भाप में तब्दील होना शुरू हो गया है. वाटर इज चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इन टू अ गैस, पानी लिक्विड से गैस में तब्दील हो रहा है. दिस गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर, और इस गैस को हम वाटर वेपर यानी पानी के बुखारात कहते हैं. द वाटर वेपर गोज इन टू द एयर, ये वाटर वेपर हवा में जाते हैं. वी कैन नॉट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते. इट हैज़ नो कलर, इनका कोई रंग नहीं होता. पेज नंबर 29, पैराग्राफ 1. होल्ड अ कोल्ड प्लेट अबव द स्टीम, जिस बर्तन में हमने पानी गर्म किया था और जिसमें स्टीम बनी थी, भाप बनी थी, उसी स्टीम के ऊपर एक ठंडी प्लेट को रखें. यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आपको पानी के छोटे छोटे कतरे नज़र आएंगे उसके ऊपर. द वाटर वेपर हैज़ कूल्ड, वो वाटर वेपर ठंडे हुए एंड चेंज्ड बैक, और दोबारा से तब्दील हो गए फ्रॉम अ गैस इन टू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर, गैस से पानी के छोटे छोटे कतरों में. पेज नंबर 29, मॉलिक्यूल्स एंड मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स और उनकी हरकत. मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत करते रहते हैं. दे बम्प इनटू ईच अदर, एक दूसरे से टकराते रहते हैं. दे ऑल्सो स्लाइड ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर से और पास से भी फिसल कर गुजर जाते हैं. आर देयर एनी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्या इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं. मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब जुड़े हुए होते हैं. दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, वो एक रेगुलर वे पे, एक मतवाजे रास्ते पे तरतीब पाते हैं. दे कैन वाइब्रेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो आगे पीछे ऊपर नीचे थरथराते हैं. बट दे स्टे इन द सेम प्लेस, लेकिन अपनी जगह पर ही रहते हैं. दैट इज वाई, यही वजह है, अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप इजीली, कि एक सॉलिड अपनी शक्ल आसानी से तब्दील नहीं कर सकता. Molecules in a liquid. Molecules in a liquid are not very close to each other. Liquid में molecules एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते. They can move, ये हरकत कर सकते हैं. They can also slide over each other, ये एक दूसरे के ऊपर से भी गुजर सकते हैं. They can move more than the molecules of a solid, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा हरकत कर सकते हैं. दैट इज़ वाई, इस वजह से, अ लिक्विड कैन चेंज इट्स शेप, एक लिक्विड अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है. मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. दे कैन मूव अबाउट फ्रीली इन एनी डायरेक्शन. वो अपनी मर्जी से किसी भी सिमत में हरकत कर सकते हैं. दे बम्प इन टू ईच अदर. ये एक दूसरे से टकराते हैं. दे ऑल्सो पुश ईच अदर अवे. वो एक दूसरे को दूर धकीलते हैं या पीछे की तरफ धकीलते हैं. दैट इज़ वाई. इसी वजह से या यही वजह है. अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप. के गैस की एक ख़ास शक्ल नहीं होती.